जब तक देश में आपातकाल रहा, हरियाणा के कई बड़े नेता जेलों में रहे। खबरों पर नियंत्रण रखने के लिए कई प्रकाशकों की बिजली काट दी गई। सरकार के खिलाफ लिखने वाले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों से वंचित कर दिया गया। इस तरह मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया। ऐसे में केंद्र को चौधरी बंसीलाल की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर केंद्र में बुला लिया गया और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने बनारसी दास गुप्ता, जो कि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और साथ ही बंसीलाल के काफी विश्वासपात्र भी थे। कहने को बनारसी दास गुप्ता राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन फैसले लेने का काम या तो खुद चौधरी बंसीलाल कर रहे थे या उनके बेटे सुरेंद्र सिंह। बंसीलाल को केंद्र में बुला लिया तो बंसीलाल ने अपना मनपसंद व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनाना था, ये उनके डिस्ट्रिक्ट के थे और उनके साथ मंत्री थे, उन्होंने उठा करके इनका नाम प्रपोज कर दिया, चीफ मिनिस्टर बन गए। एक तरफ केंद्र सरकार पूरे जोर शोर से अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ देश में लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शायद श्रीमती इंदिरा गांधी को आशा थी कि बिखरा हुआ विपक्ष एक बार फिर कांग्रेस से मात खा जाएगा। इसी विश्वास के साथ उन्होंने 1977 में आम चुनावों की घोषणा कर दी, जिनसे संजय गांधी बिल्कुल खुश नहीं थे। इधर चुनावों की घोषणा हुई और उधर जेलों में एक साथ बंद विरोधी नेता मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बनाने लगे। क्यों नहीं हम मिलकर एक पार्टी बना लेते और हम सब मिलकर जनता के सामने चलते। जब हम जेल में एक साथ रह सकते हैं, एक साथ मिलकर सरकार क्यों नहीं चला सकते। ये बिल्कुल ये बात ठीक है। चलिए हम सब मिलकर जनता के सामने चलते हैं और हमारी पार्टी का नाम होगा जनता पार्टी। राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन हुआ तो हरियाणा में भी कई अलग अलग दल, अलग अलग विचारधाराओं के नेता पास आए। इनमें अहम थे जनसंघ के नेता डॉक्टर मंगलसेन और कांग्रेस से अलग हुए प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी चांदराम, पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी भजनलाल। सारे विरोधी जब एक हुए तो वही हुआ जिसका संजय गांधी को अंदेशा था। 1977 में हुए आम चुनावों में जनता पार्टी की भारी जीत हुई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार ने आते ही देश भर में कई राज्य सरकारों को बर्खास्त करके वहां चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इसी के साथ हरियाणा में भी बनारसी दास गुप्ता के शासन का अंत हो गया। चौधरी देवीलाल के रूप में राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला था जो नाम जनता में पहले से ही कई अच्छे कामों के लिए लोकप्रिय था। चौधरी देवीलाल ने चंडीगढ़ में राज्य के सर्वोच्च पद की शपथ ली तो पूरे हरियाणा में जनता ने खुशी के गीत गाए। मुख्यमंत्री बनते ही चौधरी देवीलाल अपनी योजनाओं को लागू करने में लग गए। गरीब हरिजन की बेटी की शादी में कोई दिक्कत और कठिनाई ना आए, इसलिए 5100 रुपए कन्यादान के रूप में चौधरी देवीलाल ने उस वक्त में दिए। किसान के खेत के साथ सटा हुआ जो सरकारी दरखत था, जिसकी वजह से उसकी आधी फसल मर जाती थी, उन्होंने उसका आधा हिस्सा किसान को जाए, ये कानून बना दिया था कि जिस दिन ये पेड़ कटेगा, इस पेड़ की जो कीमत होगी उसकी आधी कीमत किसान को मिलेगी। मैं दादरी जाने लग रहा था, वो चीफ मिनिस्टर थे, वो आने लग रहे, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, सड़क टूटी हुई थी। वहां जब सड़क टूटी हुई थी, मेरी भी गाड़ी रुक गई, उनकी भी रुक गई। मैंने उनको नमस्ते किया, मेरी तरफ नहीं देखा। औरतें जो पत्थर फोड़ रही थी वो खड़ी हो गई। एक औरत का बड़ा पेट था, उसके पास पहुंचे, जाके उसके सिर पर हाथ रख के कह लगे, बेटा कितने दिन का बच्चा है पेट में? बोला जी 8 महीने का। दूध मिलता है? ना जी। रोटी क्या खाते हो? सूखी। जब मेरे को बोला, ओ कांग्रेसी इधर आ, ये 13 वोट है,
मेरा नहीं है। 40 साल तुमने इसकी वोट पर राज किया है, तुम इसको एक पाव दूध नहीं दे इसके 8 महीने का बच्चा पेट में। कला बेटे मैं चंडीगढ़ शाम को पहुंचूंगा, कल पहले ही तेरे जापे का इंतजाम करूंगा। जाते फैसला कर दिया, गरीब की बेटी का बच्चा हो 300 रुपये भेजो। वो दुख तमाश करता रहता था लोगों में, किसको क्या तकलीफ है। भले ही विधानसभा के बाहर चौधरी देवीलाल के समर्थकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पार्टी में कई गुट जरूर बन चुके थे। इधर केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और उसकी जगह कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। शुरू में तो चौधरी देवीलाल के चौधरी चरण सिंह से काफी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बाद में वो भी बिगड़ गए और चौधरी देवीलाल की जगह भजन लाल ने ले ली। और यहीं से हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में राजनीति का एक नया अध्याय जुड़ गया, और ये अध्याय था जोड़ तोड़ का, जिसमें चौधरी भजन लाल मास्टर थे। चौधरी भजन लाल ने राज्य में सभी असंतुष्ट विधायकों को इकट्ठा किया और चौधरी देवीलाल के खिलाफ लामबंद विधायकों की संख्या करीब 40 तक जा पहुंची। इतने विधायक सरकार को हिलाने के लिए काफी थे, लेकिन अभी भी कोई सीधे तौर पर चौधरी देवीलाल की सरकार से हाथ खींचने को तैयार नहीं था। लेकिन अब उन्हें यह मौका भी मिल गया। मुझे तो आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। इरादे भी ठीक है और मौका तो इससे अच्छा मिलने वाला नहीं है। अब ये साहब तो देश भर में उनको निकल जाएंगे और हम भी विधानसभा जाके क्या करेंगे। अब जिस दिन विधानसभा में वोटिंग होगी हम भी कहीं घूमने निकल जाएंगे। पर इससे तो सरकार ही गिर जाएगी। तो तुम और क्या चाहते हो। और विधानसभा में चौधरी देवीलाल की सरकार गिर गई और उनकी जगह अब चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री बन गए थे। चोट भले ही ठीक हो जाए लेकिन अपनों के दिए दर्द की टीस नहीं जाती। भजन लाल के हाथों मात खाने के बाद चौधरी देवी लाल को भी अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तो उन्होंने किसानों के हित का नारा दिया और चौधरी छोटू राम के बनाए मंच को फिर से जिंदा करने में लग गए। हम अजगर यानी हरिजन, मुस्लिम, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत, जिसकी वजह से जल्दी ही चौधरी देवीलाल एक बार फिर अपनी खोई हुई ताकत पाने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी तक भजन लाल भी काफी आगे आ चुके थे। देश नए चुनावों के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और लोकसभा के इन चुनावों के बाद कांग्रेस एक बार फिर से पावर में आ गई। चौधरी भजन लाल वक्त के साथ अपनी नीतियां बदलना तो जानते ही थे, राजनीति में भी वो कब कौन सी चाल चल देंगे इसका अंदाजा भी सिर्फ भजन लाल ही लगा सकते थे। और भजन लाल की अगली चाल देखकर तो सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान रह गया। भजन लाल ने जैसे ही देखा कि इस समय जनता पार्टी का वर्चस्व लगभग समाप्त हो चुका है, वो अपने सभी 40 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। किसी भी पार्टी का पूरी तरह से दल बदलना इससे पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही उसके बाद कभी हुआ। अब मौका था 1982 में होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों का। चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल को जहां 90 में से 31 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस ने 34 सीटें जीती। थोड़ी दूर थोड़ी पास। चौधरी देवीलाल भी अब तक भजन लाल की काबिलियत को पहचान चुके थे और अपनी सरकार को बनने से पहले टूटने से बचाने के लिए सभी विधायकों को लेकर परवाणु के एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए ताकि भजन लाल किसी भी विधायक से कोई मोल भाव ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ भजन लाल इस बार दूसरी ही चाल चल चुके थे। चौधरी साहब, दिल्ली की सरकार सदमे में पड़ गई होगी और सोच रही होगी कि सरकार तो दिल्ली में हमारी है और लोकदल से ज्यादा विधायक हमारे जीते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जोड़ तोड़ का मास्टर उनकी गैल है, फिर देवीलाल कैसे बाजी मार गया। वो सब तो ठीक है,
पर प्रवेट करवाइए, 12 घंटे हो गए हैं, रेडियो पे कोई खबर क्यों नहीं आ रही? चौधरी साहब, खुशखबरी सुनने को बेताब है, अब ना खबर आती तो ना सही, सीधी शपथ की तो खबर आएगी ना, वो तो कोई ना रोक सके। चुप करो, बुलेटिन शुरू हो रहा है। ये आकाशवाणी है, अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में राज्यपाल ने चौधरी भजन लाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी गुटनिरपेक्ष देशों की एकता पर जोर दिया है। और क्रिकेट में भारतीय टीम की एक और शानदार जीत। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद राज्यपाल जीडी तपसे ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। हरियाणा में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में 90 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस को जहां 34 सीटें मिली हैं, वहीं लोक दल को 31। कोई भी पार्टी वहां सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर पाई है। संविधान विशेषज्ञों से राय करने के बाद राज्यपाल जीडी तपसे ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के नेता चौधरी भजन लाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है और अपना बहुमत साबित करने के लिए पूरे एक महीने का समय। प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने, मैं पहले ही कह रहा था ना, ये भजन लाल कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। बहुत हो गया इसका खेल, अब इसका ये खेल हम चलने न देंगे। पर अब हम करेंगे क्या, उसने महीने भर में जोड़ तोड़ कर लेनी है, फिर अपनी सरकार बना लेनी है, हम तो जीत का भी हार गए। केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और अल्पमत की भजनलाल सरकार को बहुमत साबित करने के लिए पूरे एक महीने का वक्त दे दिया। चौधरी भजनलाल के पास जोड़ तोड़ करने के लिए इतना वक्त काफी था। जैसे ही सभी विधायकों को खबर मिली कि भजनलाल सरकार बनाने जा रहे हैं, चौधरी देवीलाल के खेमे में हलचल मच गई। कई विधायक भजनलाल की सरकार में विधायक बनने के लिए वहां से खिसकने की तिकड़म भिड़ाने लग गए। फिर खबर आई कि कुछ विधायक रात में पाइप से उतरकर वहां से खिसक भी गए हैं, जिसके बाद चौधरी भजन लाल अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपनी सरकार बना तो ली, लेकिन राज्य में बढ़ती अव्यवस्था, राजीव लोंगोवाल समझौते में हरियाणा के हितों को पूरी तरह अनदेखी करने के आरोपों और चौधरी देवीलाल के छेड़े न्याय युद्ध आंदोलन से चौधरी भजन लाल की सरकार को इस कदर नुकसान पहुंचा कि केंद्र ने 1986 में उन्हें हटाकर चौधरी बंसी लाल को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस यहां सरकार को तब भी नहीं बचा पाई। 1987 के चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। चौधरी देवीलाल तो अपना वही काम करते रहे जो पीछे छोड़ गए थे। जब सन 1987 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी, जो आज पूरे देश में लागू है। अभी तक चौधरी देवीलाल की पहचान सिर्फ हरियाणा के नेता की ही नहीं, पूरे देश में किसान नेता की बन चुकी थी। जो एक मजबूत नेता ही नहीं थे, बल्कि उन्हें कांग्रेस विरोध का काफी अनुभव भी था, और उनका यही अनुभव अब पूरे देश में कांग्रेस का तख्ता पलटने जा रहा था। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कई बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए और सभी ने अब एक पार्टी, एक निशान और एक झंडे तले चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल ने अपने प्रभाव वाले हर क्षेत्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर वोट मांगे। चौधरी देवीलाल ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और भाजपा और वामपंथी के समर्थन से देश में जनता दल को सरकार बनाने का मौका मिल गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बन गए और चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री चुन लिए गए। जब चौधरी देवीलाल ने राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ महम की सीट खाली की, तो उन्होंने दोनों जगह
ओम प्रकाश चौटाला के नाम कर दी। ओम प्रकाश चौटाला पिता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी उनके लिए महम से चुनाव जीतना बाकी था। लेकिन ऐन मौके पर चौधरी देवीलाल के पुराने साथी आनंद सिंह दांगी ने उनका विरोध कर दिया और ओम प्रकाश चौटाला के सामने खड़े हो गए, जिसकी वजह से महम का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। लेकिन ये उपचुनाव होते इससे पहले ही एक निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या हो गई। ये हत्या किसने की या करवाई, भले ही इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आए, लेकिन विपक्ष जनता को यह विश्वास दिलाने में जरूर कामयाब हो गया कि इस हत्या में मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का ही हाथ है। हरियाणा में इससे एक राजनीतिक तूफान आ गया। विपक्ष ने ही नहीं, कई अपनों ने भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी ओम प्रकाश चौटाला की कुर्सी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति पर इन सब बातों का खूब असर पड़ा था। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके लिए ओम प्रकाश चौटाला को दोषी मान चुके थे और वो चौधरी देवीलाल पर उन्हें हटाने के लिए दबाव डालने लगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के दबाव के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब जनता दल के दोनों बड़े नेताओं के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। और जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी, चौधरी देवीलाल उससे पहले ही वैकल्पिक सरकार का बंदोबस्त कर चुके थे। 1989 से लेकर 1991 तक केंद्र में दो सरकारें बनी और गिरी, पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की, फिर चंद्रशेखर सिंह की। इन दो सालों में चौधरी देवीलाल दो बार उप प्रधानमंत्री बने, जबकि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला ने इतने ही दिनों में तीन बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। केंद्र के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने एक बार बनारसी दास गुप्ता को तो दूसरी बार मास्टर हुकुम सिंह को कुर्सी पर बिठा दिया। फिर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई। पूरे देश में फैली सहानुभूति लहर की वजह से केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। चौधरी भजन लाल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आते ही विधायकों को अपनी तरफ खींचने में लग गए। वैसे भी ये समय चौधरी भजन लाल का था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में चौधरी भजन लाल को न सिर्फ खुलकर हरियाणा पर राज करने का मौका मिल गया, बल्कि देश की राजनीति में उनका कद और भी बढ़ गया। 1996 के बाद चौधरी बंसीलाल एक बार फिर हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में वापस आ गए। उनकी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी ने पहले भाजपा फिर कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि हरियाणा विकास पार्टी से सिर्फ जनता का ही नहीं बल्कि उससे जुड़े नेताओं का भी मोह भंग हो गया। नतीजा, एक तरफ चौधरी बंसीलाल का सितारा डूबने लगा और दूसरी तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सूरज बनकर चमकने लगे। और ऐसे में सन 2000 में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दी। सन 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ऐसे समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जब पिछली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। इसीलिए राज्य को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए उन्हें कई कठोर एवं अलोकप्रिय कदम उठाने पड़े। वैट लगाने की वजह से बदनामी तो उनके को लगी, उनके खिलाफ प्रचार तो हुआ, पर प्रदेश को अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा मिला तो वैट से मिला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इस कार्यकाल में हरियाणा का सर्वांगीण विकास हुआ। अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई। पता चल जाता है अगर ये काम ना हुआ, टाइम से ना हुआ और समयबद्ध ना हुआ तो चौटाला साहब माफ नहीं करेंगे। उनको अपनी चिंता कम रहती थी, उनको प्रदेश के लोगों की चिंता हमेशा ज्यादा रही। लोगों ने कहा वेट हटा दो, बोला नहीं, हम अपने वोट के लिए फाइनेंशियल नुकसान नहीं करेंगे स्टेट को। लेकिन जब 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो विकास कार्यों और ग्रामीण जनता में अपनी मजबूत पकड़ के बावजूद इंडियन नेशनल लोक दल की मुट्ठी से जीत फिसल गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सरकार जाने की खास वजह प्रशासन से उनकी नाराजगी भी थी।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला काफी सख्त प्रशासक रहे थे, लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो उन्होंने अपना सारा कामकाज प्रशासन पर छोड़ दिया। सरकार को नुकसान तो इससे भी हुआ। सरकार का मुश्किलों से लड़ने का अपना एक तरीका होता है, उन्हें मैनेजमेंट की बात आसानी से समझ आती है, जबकि नेताओं को मजदूरों और किसानों की बात सुननी ही पड़ती है। यही वजह थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह के कुर्सी संभालते ही प्रशासन ने जो फैसले लिए उनमें से कई मजदूरों के हित में नहीं थे। पहले हीरो होंडा की हड़ताल हुई, जिससे प्रशासन पूरी कड़ाई से पेश आया। फिर करनाल में लिबर्टी में भी हड़ताल हुई तो उसे भी प्रशासन ने पूरी ताकत से दबा दिया। लेकिन जब मानेसर में मारुति की हड़ताल में भी प्रशासन ने वही फॉर्मूला अपनाया तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। काश हुड्डा सरकार और प्रशासन ने पहले ही होने वाली घटनाओं का एहसास कर लिया होता। बात उन दिनों की है जब सन 2011 में मारुति के मानेसर प्लांट में इसके करीब 2000 वर्कर हड़ताल पर चले गए। पिछली कामयाबियों पर सवार हुड्डा सरकार और प्रशासन ने इस बार भी मजदूरों की आवाज को दबाने की कोशिश की। मजदूरों के घरों की बिजली काट दी गई, कंपनी के सुरक्षा गार्डों द्वारा उन्हें परेशान किया गया, कंपनी की कैंटीन को बंद कर दिया गया, लोगों को इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का लेबर डिपार्टमेंट सिर्फ वही काम कर रहा था जो कंपनी का मैनेजमेंट चाहता था। खैर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में न तो हादसों की कोई कमी थी और न ही स्कैंडल्स की। इन्हीं में एक बड़े स्कैंडल से नाम जुड़ा हरियाणा सरकार के गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का। गोपाल कांडा पर आरोप है कि वो काफी समय से अपनी एक कर्मचारी गीतिका शर्मा का शारीरिक शोषण कर रहे थे। गीतिका ने जब उनके चंगुल से आजाद होने की कोशिश की तो उसे झूठे केस में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से गीतिका को घुटने टेकने पड़े। लेकिन जब परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ने लगी तो एक दिन गीतिका शर्मा ने आत्महत्या कर ली। अब ऐसा भी नहीं था कि सभी स्कैंडल्स और कॉन्ट्रोवर्सीज से हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं जुड़ा था। उन पर भी हरियाणा के बिल्डर लॉबी के लिए काम करने के खूब आरोप लगे थे, लेकिन किसी भी आरोप की जांच नहीं हुई। यहां तक कि जब राज्य के एक आईएएस अधिकारी खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा के एक लैंड डील पर उंगली उठाई और इस डील में हुए घोटाले के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की तो चौधरी भूपेंद्र सिंह की सरकार ने खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का साथ दिया और बजाय इस लैंड डील की सही जांच कराने के इस अधिकारी के खिलाफ ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। कार्यकाल में उनके विरोधियों और खास तौर पर चौटाला परिवार के साथ जो हुआ उसके पीछे हरियाणा के एक वर्ग को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिमाग ही नजर आता है। इसके अलावा हरियाणा में जूनियर बेसिक टीचर की अवैध नौकरी का केस पहले से ही चल रहा था। इस केस में पहले न चौटाला परिवार के किसी सदस्य का नाम था और न ही इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े किसी भी बड़े नेता का। लेकिन जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आई, सीबीआई ने कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें इस बार आरोप में ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, आईएनएलडी के अध्यक्ष शेर सिंह बरशानी और अधिकारी विद्याधर के नाम भी शामिल कर दिए गए। हमने नौकरी दी थी, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो एक षड्यंत्र की सजा, षड्यंत्र के तहत आज एक सजा भुगत रहे हैं। हमें ऊपरी अदालतों पे पूरा भरोसा है कि हमें बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सवाल ये उठता है
कि किसकी बनेगी अगली सरकार। हरियाणा की राजनीति जो है वो बहुत ही करवटें बदलती हैं और हरियाणा के वोटर जो हैं आमतौर पे जैसे लोहिया जी कहते थे ना रोटी को पलटते रहना चाहिए तो अच्छी सीखती है, तो हरियाणा के वोटर भी उसमें विश्वास करते हैं कि दल को बदलते रहना चाहिए। और कौन बनेगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री? जो भी चीफ मिनिस्टर बने उसको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मैसेज बन जाए दे मस्ट फॉलो देवी लाल, समझा? मैसेज बन लेना, क्योंकि किताबों में आप इतना नहीं पढ़ सकते जितना मैसेज में जाके पढ़ सकते।